ये 1905 से पहले जो हमारा जो बिहार था, तो बिहार का जो हिस्सा था वो बिहार बंगाल का पार्ट था, मतलब इस तरह का उसका और नहीं था मामला। बिहार जो है वो इस तरह से जब कटा था तो उस समय उड़ीसा इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। जैसे बंगाल विभाजन को देखते हैं कि विभाजन का निर्णय जो है वो 20 जुलाई 1905 को लिया गया। विभाजन का इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद बढ़ रहा था वे पश्चिम बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया 7 अगस्त 1905 को, 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। विभाजन का प्रभावी होना ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। और ये तीनों क्वेश्चन जो है ना अलग अलग समय में बीपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने के लिए सारे डेट दे देती है वो। विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, वह व्यक्ति जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव भी बोलते हैं इनको। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करना। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता दिल्ली में कौन थे? तो ये थे सैयद हैदर रजा। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। स्वदेशी एवं बहिष्कार को सब पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। 1906 ईस्वी में वायसराय मिंटो टू द्वारा राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो ये थी अरुणडेल कमेटी। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। अब हम लोग जो है ना वो देखेंगे नरम दल एवं गरम दल, मुस्लिम लीग एवं दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौते एवं होम रूल। तो ये सब हम लोग देखेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।